हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक बहुत ही तेज़ पॉपुलर हो रही है, बहुत सारे प्रोग्रामर पाइथन को यूज़ कर रहे हैं। सबसे एक इसका बहुत अच्छा फीचर है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा सबको पता है। बट मुझे लगता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंपल के साथ साथ इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से बहुत सारे काम को करना आसान हो जाता है। बहुत सारे टास्क, छोटे छोटे ऐसे टास्क हैं जिनको लाइब्रेरीज की हेल्प से आप बिना कुछ मेहनत सोचे समझे आप उन लाइब्रेरीज को डायरेक्ट यूज़ करके इन सारे टास्क को हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि बहुत सारी ऑलरेडी लाइब्रेरीज प्री डिफाइंड है, ऐसा नहीं बाकी लैंग्वेजेस में लाइब्रेरीज नहीं है, बट पाइथन में एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिसकी हेल्प से पाइथन बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं छोटे छोटे स्क्रिप्ट्स के लिए। ठीक है, तो हम लोग आज पाइथन की इसी फीचर का एक डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हम लोग आज करने वाले इस वीडियो में पाइथन को यूज़ करके वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, हम लोग वेब स्क्रैपिंग करेंगे पाइथन यूज़ करके। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को एक छोटा सा टास्क करना है और वो टास्क मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ कि हम लोग उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो मैं सबसे मुझे तीन टास्क करने हैं यहाँ पे। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो हमारा प्रोग्राम, अब वो प्रोग्राम मैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना सकता हूँ, मैं रिस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ या मैं किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बना सकता है। आप जावा को यूज़ कर सकते हो, पाइथन को यूज़ कर सकते हो, या आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, यू आर फ्री टू डू दिस। ठीक है, आप एकदम ओपन हो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि मैं पाइथन ही यूज़ करूँ, तो मुझे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम जो बनेगा उसको हमें एक URL प्रोवाइड करना है। दैट मीन्स मैं एक URL दूंगा अपने प्रोग्राम को। अब वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है, दैट मीन्स मैं कंसोल से उस URL को दे सकता हूँ, या GUI का कोई फॉर्म बना सकता हूँ, वहाँ से मैं इनपुट ले सकता हूँ। दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम को एक URL देना है, और हमारा प्रोग्राम क्या करे कि उस URL से उस वेबसाइट का सारा कंटेंट फेच कर ले। जो कंटेंट फेच करेगा, दैट वो जो कंटेंट होगा वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा, वो सारा कंटेंट HTML का होगा, ये तो सबको पता है, बट रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको रीडेबल फॉर्म में दिखाना है, और दिखाना नहीं है, उसको एक नई फाइल बना के सेव करना है। दैट फाइल में भी HTML फाइल, क्योंकि आप HTML रीड कर रहे हो तो एकदम फॉर्मेटेड HTML होना चाहिए, जिससे दूसरा बंदा उस पेज का पूरा HTML अच्छे से पढ़ पाए कि कैसे HTML लिखा गया था, कौन सा डिव किसके अंदर लगाया था। तो सबसे पहला ये टास्क है कि आप किसी URL को लोगे, उसका HTML फेच करोगे और उसको फॉर्मेट करके किसी दूसरी फाइल में सेव करोगे, ये सबसे पहला टास्क है। दूसरा टास्क हमें क्या करना है, जो URL हमें मिला है उस URL पे जो पेज होगा उसमें कितनी इमेजेस, दैट मीन्स कितने IMG टैग्स यूज हुए हैं, ये काउंट करना है। और तीसरा टास्क है उस पर कितने एंकर टैग्स, कितनी लिंक्स यूज हुई हैं, ये काउंट करके हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये तीन टास्क मुझे करना है। सबसे पहले हमें जो टेक्स्ट रीड करना है सोर्स कोड, उसको फॉर्मेट करके सेव करना है दूसरी फाइल में, और जो दूसरा टास्क है उसमें हमें पेज पे नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें नंबर ऑफ लिंक्स फाइंड करने हैं उस पेज पे। ये तीन टास्क हमें करना है, और हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है। तो क्योंकि मुझे लगा कि पाइथन के पास बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरीज हैं, तो मुझे पाइथन यूज़ करना चाहिए, और बहुत आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, तो मैं डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करूंगा सिंपली, और यहाँ पे न्यू पे चलूंगा और सिंपली फोल्डर पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे नाम दूंगा इसका वेब। क्या नाम दे दूंगा, वेब, एज सिंपल एज दैट, वेब। और इस फोल्डर को मैं अपने VS कोड पे ओपन कर लूंगा। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं अपना VS कोड ओपन कर लूंगा, VS कोड, और मैं फाइल पे जाऊंगा, फोल्डर पे जाऊंगा, और सिंपली मैं अपने डेस्कटॉप से फोल्डर को सेलेक्ट कर लूंगा जिसका नाम था वेब, सेलेक्ट फोल्डर कर दूंगा, तो हमारा फोल्डर यहां पे ओपन हो जाएगा हमारे VS कोड में। उसके बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे, हमारी मेन फाइल होगी जिसमें हम लोग कोड लिखेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अपने वेब वाले फोल्डर पे यहां पे मुझे प्लस न्यू फाइल का आइकन दिख रहा होगा, इस फाइल पे क्लिक करूंगा और इसका नाम दे दूंगा main.py। ठीक है, यह सिंपल एक पाइथन फाइल होगी जिसके अंदर हमारी स्क्रिप्ट होगी जो
वेबसाइट को फेच कर रही होगी, नंबर ऑफ आईएमजी टैग्स काउंट कर रही होगी, नंबर ऑफ एंगल टैग्स काउंट कर रहा होगा, और हमारे सोर्स कोड को भी फॉर्मेट करके किसी फाइल में सेव कर रहा होगा, ये सारा काम कर रहा होगा। उसके बाद हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, तो हम लोग लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन में पिप की हेल्प लेते हैं हम लोग डाउनलोड करने के लिए। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको टर्मिनल पे जाना है और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपका एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा VS कोड पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ कमांड चलाएंगे लाइब्रेरीज को डाउनलोड करने के लिए। सिंपली आप एग्जैक्ट कमांड चला सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो लाइब्रेरी चाहिए होगी, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, वो चाहिए होगी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी चाहिए होगी। तो इस रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं इंस्टॉल है तो मैं आपको इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको कमांड चलाना है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट्स, ठीक है, और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्टिव हो, अगर नहीं इंटरनेट एक्टिव होगा तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक लाइब्रेरी हमें चाहिए होगी, ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। कौन सी लाइब्रेरी चाहिए होगी, ब्यूटीफुल सूप करके एक लाइब्रेरी है, ये चाहिए होगी मुझे। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीका होगा, आपको लिखना होगा पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप, स्मॉल में लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए, आप ब्यूटीफुल सूप 4 लिख के फिर एंटर कर दीजिए, ठीक है। ये लाइब्रेरी क्या होगी, इंटरनेट से इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। अब देखिए मैं इनकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में सिखाता हूँ, कि अगर जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसमें कहीं भी आप कन्फ्यूजन हो जाए, भूल जाए, तो इन स्टेप्स को आप वहाँ से देख सकते हो। और मेक श्योर अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लिनक्स का यूज़ कर रहे हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, तो आपको जहाँ मैंने पिप इंस्टॉल लिखा था वहाँ पे आपको पिप 3 लिखना होगा। तो आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले ब्यूटीफुल सूप वाली लाइब्रेरी के पास। तो ये हमारी ब्यूटीफुल सूप की लाइब्रेरी, आप यहाँ से देख सकते हो, आप सिंपली गूगल करिए ब्यूटीफुल सूप, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे इंस्टॉल करना है मैंने भी यहाँ से देखा था, आप भी वहाँ से देख सकते हो कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं और हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों लाइब्रेरीज को सबसे पहले इम्पोर्ट करूँगा, सबसे पहले रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे इम्पोर्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, इम्पोर्ट रिक्वेस्ट। दूसरी जो लाइब्रेरी इम्पोर्ट करूँगा वो ब्यूटीफुल सूप वाली लाइब्रेरी है, तो हम लोग लिखते हैं इम्पोर्ट VS4, ठीक है, ब्यूटीफुल सूप 4। अब हम लोग को क्या करना है, हमें यूजर से एक URL लेना है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं URL और यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देते हैं, इनपुट फंक्शन यूज कर लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ एंटर URL या एंटर योर URL, परफेक्ट, ठीक है। अब इस URL को यूज कर लेंगे तो हमारा URL यूज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एक HTTP रिक्वेस्ट मारते हैं अपने सर्वर को, या इस जो URL हमें मिला है उस URL जिस सर्वर पे होस्टेड है उसको हम लोग एक HTTP रिक्वेस्ट मारते हैं। तो रिक्वेस्ट मारने के लिए हम लोग को सिंपली करना क्या है, इस रिक्वेस्ट वाले वेरिएबल को यूज़ करना है, मॉड्यूल को यूज़ करना है रिक्वेस्ट को मारने के लिए। तो हमको लिखना है सिंपली रिक्वेस्ट के अंदर एक फंक्शन है गेट, तो हमें गेट की रिक्वेस्ट मारनी थी और हम अपना URL सिंपली इसको पास कर देंगे। जैसे ही हम इसको URL पास करेंगे, ये जो गेट फंक्शन है ये इस URL पे रिक्वेस्ट भेज देगा, गेट मेथड की रिक्वेस्ट भेज देगा, और गेट रिक्वेस्ट आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा रेस्पॉन्स का। कौन सा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, रेस्पॉन्स का। रेस्पॉन्स मतलब हमने सर्वर को रिक्वेस्ट मारा, रिक्वेस्ट हमारी प्रोसेस हुई, हमें डेटा जो चाहिए था वो मिला, बट यहाँ पे ये जो हमें रेस्पॉन्स मिला है इट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ रेस्पॉन्स। अगर आपको चेक भी करना है तो आप प्रिंट कर दीजिए इस रेस्पॉन्स का टाइप, ठीक है, इस रेस्पॉन्स का टाइप, तो आपको पता चल जाएगा ये HTTP रेस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स का टाइप प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को कंटेंट दिखाना था कि जो कंटेंट वापस आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंटेंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, रिस्पॉन्स के पास सारा कंटेंट होगा तो हम लोग रिस्पॉन्स से बोलेंगे भैया जो टेक्स्ट है इसका वो आप प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। अब हम इस वाले फंक्शन को चलाते हैं, ठीक है, अब हम लोग इस वाले स्क्रिप्ट को चलाते हैं, देखते हैं क्या जो हम URL दे रहे हैं उस URL पे रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, क्या टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फिर से टर्मिनल पे चलेंगे, तो टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे अपना प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग
लिखते हैं पाइथन और मेरे स्क्रिप्ट का नाम था मेन डॉट, एंटर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए ये एंटर और URL मांग रहा है, तो हम लोग कोई भी URL दे देते हैं, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं https://techsoftindia.co.in और एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद देखिए इसने क्या किया, टेक्सॉफ्ट इंडिया का जो वेबसाइट का पेज था उस पेज का सारा कंटेंट निकाल के इसने मुझे दे दिया। बट जो कंटेंट है इट इज़ नॉट फॉर्मेटेड, ये फॉर्मेटेड नहीं है और हम इसको रीड नहीं कर सकते क्योंकि ये रीडेबल फॉर्म में नहीं है। तो हम लोग को यही काम करना था, हम लोग को काम क्या करना था, यही एग्जैक्टली इसी टेक्स्ट को हम लोग को करना क्या है, फॉर्मेट करके फिर एक दूसरे फाइल में सेव करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं अपना सबसे पहला टास्क कंप्लीट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे भाई, और प्रिंट नहीं करेंगे, और ये जो टाइप रिस्पॉन्स था ये भी टाइप रिस्पॉन्स हम लोग को नहीं चाहिए, और हम लोग क्या करेंगे सिंपली एक फाइल नाम ले लेंगे। तो देखिए फाइल नेम, और ये नाम को आप यूज़र से ले सकते हो, बट यहाँ पे मैं temp.html दे दे रहा हूँ। html का मतलब है कि ये जो भी फाइल सेव होगी उसका नाम html होगा, temp.html होगा। उसके बाद हम इस फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने से पहले हम लोग फॉर्मेट करते हैं, और फॉर्मेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस BS4 वाली लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ब्यूटीफुल सूप का, तो हम लोग लिखेंगे BS4 डॉट, और यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। और हम इसको दो चीज़ दे देंगे, अपना टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कैसे देंगे, हम लोग लिखेंगे response.text, और साथ ही साथ में इस टेक्स्ट को पार्स करने के लिए पार्सर का नाम दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग को html पार्सर चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे html.pars, ठीक है, क्या लिखेंगे html.parser। तो हमारा html पार्सर काम करेगा और आपके पूरे टेक्स्ट को पार्स करके और आपको एक ऑब्जेक्ट दे देगा जो कि ब्यूटीफुल सूप का होगा। तो हम इसका नाम दे देंगे vs, ठीक है, क्या नाम दे देंगे vs, ठीक है। अब इस vs में सारा पार्सिंग पार्स करने के बाद सारा टेक्स्ट स्टोर है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने के लिए vs के पास एक फंक्शन है prettify, देखिए नीचे आ रहा है prettify, ये क्या करेगा, आपको ये जो उल्टा सीधा टेक्स्ट आ रहा था सब एक ही में मिक्स थे, इसको ये थोड़ा सुंदर फॉर्मेट कर देगा और ये रिटर्न कर देगा। तो हम लिख देंगे यहाँ formatted_text, ठीक है, और इसको फिर प्रिंट करते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, तो हम लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग दे देंगे फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इस प्रोग्राम को फिर से चलाएंगे, तो फिर से हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं और टर्मिनल पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से लिखते हैं पाइथन main.py, एंटर करते हैं और URL दे देते हैं फिर से, तो हम लोग लिखेंगे http://, अपना URL देंगे www.techsoftindia.co.in, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो html आना चाहिए वो फॉर्मेटेड आना चाहिए, और आप यहाँ देख सकते हो कि html फॉर्मेटेड आ रहा है। अब ये रीडेबल फॉर्म में इसको पढ़ सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से, कौन सा टैग लगाया है, कैसे लगाया, सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से मैं दिखाता हूँ, तो ये रहा, ठीक है, ये रहा एक्चुअली, ये देखिए html डॉक से स्टार्ट हुआ, हेड, मेटा, टाइटल, टाइटल, वेस, सारी चीज़ें प्रिंट हो रही है एकदम बढ़िया फॉर्मेटेड में। अब हमको क्या करना है, इसी फॉर्मेटेड टेक्स्ट को सेव करना है html फाइल में, तो देखते हैं कितना इजी है सेव करना, ठीक है। देखिए आप इस फाइल को ओपन करिए राइटेबल मोड में, तो आप लिखिए यहाँ पे विद, विद मैं कीवर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमको फाइल क्लोज नहीं करनी पड़ेगी मैन्युअली, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। तो आप लिखिए विद और यहाँ ओपन फंक्शन यूज़ करिए, विद ओपन, और ओपन में अपनी फाइल का नाम दे दिए, तो यहाँ पे लिखिए फाइल नेम कॉमा, उसके बाद आपको देना है कि मोड, कौन से मोड में आपको ओपन करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ डब्लू फॉर राइटेबल मोड, उसके बाद एज एफ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे राइट करना है कंटेंट, तो मैं लिखूंगा सिंपली एफ डॉट राइट, और कंटेंट देना है मुझे फॉर्मेटेड टेक्स्ट, ठीक है, सिंपली बस इस फाइल में राइट हो जाएगा। उसके बाद जैसे राइट होगा आप बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए, अपने आप से temp.html क्रिएट हो जाएगी अगर नहीं बनी होगी, और राइट हो जाएगा बाहर आ जाएगी फाइल, ठीक है। उसके बाद या हम इसको w प्लस कर देते हैं क्योंकि फाइल नहीं होगी तो हमें क्रिएट भी करनी पड़ेगी, ठीक है, w प्लस। अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली पहले इतना काम करते हैं, उसके बाद हम लोग को दो काम और करना है, वो भी कर लेंगे बहुत इजीली। तो हम लोग फिर से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं क्रिएट हो रही है। तो सिंपली मैं क्लियर कर दूंगा और फिर से अपना वाई कोड चलाऊंगा, पाइथन स्पेस main.py, और URL में भी texofindia.co.in दे दूंगा और एंटर करूंगा और वेट करूंगा।
तो यहाँ पे देखिए प्रिंट भी हो गई, और अगर आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे आपको टेम्प डॉट एस एम एल दिख भी रहा है, और एंटर कर दीजिए ठीक है। जैसे एंटर करोगे तो ये फाइल राइट साइड में ओपन हो जाएगी, और आप देख पाओगे कि जो एस टी एम एल है वो कितना फॉर्मेटेड वे में आ रहा है, सारी चीज़ें एकदम फॉर्मेटेड वे में, और इसको आप देख सकते हो। अगर मैं इसका ओरिजिनल सोर्स कोड दिखाऊं तो फिर आप वहाँ कुछ पढ़ ही नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। आपको मैं ले चलता हूँ गूगल पे, और वहाँ पर सारी चीज़ दिखाता हूँ टैक्स ऑफ इंडिया का सोर्स कोड ठीक है। तो हम लोग एक बार टैक्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन करते हैं, तो हम लिखेंगे टैक्स ऑफ इंडिया डॉट को डॉट इन, और इस वेबसाइट का सोर्स कोड देखने की कोशिश करेंगे। जो सोर्स कोड हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया है, इस सोर्स कोड को आप एक्चुअल में देखिए कैसा है ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पर अपने राइट क्लिक करते हैं, और यहाँ पे व्यू सोर्स पेज पे देखिए, आप किसी वेबसाइट पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक कर दीजिएगा ठीक है। आपको देख दिख जाएगी इसका सोर्स कोड, देखिए ये था, यहाँ पे एकदम रीडेबल नहीं था, बट हम लोगों ने पाइथन की हेल्प से किया क्या है, इसको एकदम रीडेबल फॉर्म में किया है, जिसको हम लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं, कौन सा टैग कहाँ लगाया है कैसे लगाया, सारी चीज़ें रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकंड्स। तो हमारी स्क्रिप्ट बन गई। अब हमें दो काम और करना है, एक नंबर ऑफ इमेजेस टैग काउंट करने हैं, और नंबर ऑफ एंगल टैग काउंट करने हैं। तो चलिए हम लोग भाई नंबर ऑफ इमेज टैग काउंट करते हैं, और नंबर ऑफ एंकर टैग्स काउंट करते हैं, आते हैं भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे प्रिंट नहीं करना है तो फॉर्मेटेड टैग को मैं प्रिंट नहीं करूंगा, और सिंपली नीचे आ जाऊंगा, सेव होने के बाद हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस पहले। तो हम लोग वी एस डॉट यहाँ पे यूज करेंगे फाइंड ऑल फंक्शन, कौन सा फंक्शन, फाइंड ऑल फंक्शन, और इस फंक्शन को देंगे टैग, कौन से टैग हमको फाइंड करने हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई एम जी टैग फाइंड करने हैं, और यहाँ पे लिस्ट ऑफ आई एम जीज ये रिटर्न कर देगा, लिस्ट ऑफ आई एम जीज। आप इसको प्रिंट करिए लिस्ट ऑफ आई एम जीज को, तो आपको मिल जाएगी कि कितने लिस्ट कितने आई एम जीस मुझे मिले हैं। फिर सेव करिए और इसको रन करिए। अच्छा मेरे में यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप कहाँ से करिए। मैं कोड रनर का एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। सिंपली आप इसको क्लिक करिए और वेट करिए, रन हो जाएगा। और हमें देना क्या होगा भाई, हमें देना वही होगा URL ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, URL ट्राई मारते हैं URL। तो इस बार मैं दूसरा URL ट्राई करता हूँ, https://www.onlyjavatech.com एंटर कर देते हैं ठीक है। तो सिंपली टेम्प डॉट एस टी एम एल में दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा, और लिस्ट ऑफ आई एम जी मिल गए। देखो ये पहला इमेज टैग है जो कि यहाँ पे खत्म हुआ है, यहाँ पे खत्म हुआ है, फिर दूसरा इमेज टैग है। तो ये लिस्ट है, लिस्ट में डेटा काउंट करना सबको आता है ठीक है। लिस्ट में डेटा काउंट कैसे करते हैं भाई, आप लगा दीजिए लेंथ, और लेंथ में दे दीजिए लिस्ट ऑफ इमेजेस, ये मुझे दे देगा नंबर ऑफ आई एम जीस, मिल गई। इसी तरह आप एंगल टैग्स को भी काउंट कर लीजिए, यहाँ पे लगाइए बी एस डॉट ब्यूटिफुल सूप डॉट फाइंड ऑल अंडरस्कोर ऑल, और इसमें आप पास कर दीजिए एंगल टैग ठीक है, और ये भी मुझे दे देगा लिस्ट ऑफ एज ठीक है, और फिर आप नंबर ऑफ एज निकाल दीजिए, और एज कैसे निकालेंगे, आप लेंथ यूज कर दिए लिस्ट ऑफ एज इसमें पास कर दिए, तो आपको एज नंबर ऑफ एंकर टैग्स भी मिल जाएंगे। दोनों को प्रिंट कर दीजिए, तो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ आई एम जी टैग्स ठीक है, और सिंपली कॉमा लगाइए, और यहां पे नंबर ऑफ इमेजेस प्रिंट कर दीजिए, और एक और प्रिंट लगाइए, और यहां पे लिख दीजिए नंबर ऑफ एंकर टैग्स ठीक है, और आप यहां पे नंबर ऑफ एज प्रिंट कर दीजिए, परफेक्ट। अब ये प्रोग्राम बन गया जो तीनों टास्क को कंप्लीट कर रहा है। ये प्रोग्राम आपके एचटीएमएल को भी फॉर्मेट कर देगा, यूआरएल से फेच करके नंबर ऑफ इमेजेस टैग को फाइंड कर देगा, और नंबर ऑफ एंकर टैग को फाइंड कर देगा। तो सिंपली मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और आपको दिखाता हूं। तो सिंपली आप क्या करिए, कोई भी वेबसाइट दीजिए, पहले आप प्रोग्राम चलाइए पाइथन मेन डॉट पी वाई, यूआरएल दे दीजिए https://www.techsoftindia.co.in एंटर कर दीजिए ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज टैग 9 एंड नंबर ऑफ एंगल टैग्स 41, इसका मतलब कि हम लोगों ने इस पेज में 9 टैग्स इमेजेस वाले यूज किए, दैट मीन्स हमारे होम पेज पे 9 इमेजेस यूज हुई हैं, 9 इमेजेस यूज हुई हैं यहाँ पे ठीक है, जो कि वेल फॉर्मेटेड है। अब आप किसी वेबसाइट का लिंक आप इस पेज को दे दीजिए, हमारे इस प्रोग्राम को दे दीजिए, और ये क्या करेगा, आपको उसमें से सोर्स कोड भी दे देगा, साथ ही साथ आपको नंबर ऑफ लिंक्स भी फाइंड करके दे देगा, नंबर ऑफ इमेजेस भी फाइंड करके दे। अब मेन बात आती है कि
इस आइडिया को लेकर के आप प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, बट मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो है वेब स्क्रैपिंग, ये सारी वेबसाइट्स पे अलाउड नहीं होती। जो ओनर होते हैं वो इसे अलाउड नहीं करते हैं, जो वेबसाइट के ओनर हैं उसे अलाउड नहीं करते हैं, और आपको करना भी नहीं चाहिए वेब स्क्रैपिंग, क्योंकि ये इलीगल मानी जाती है। ठीक है, कोई वेबसाइट नहीं, कोई भी ओनर नहीं चाहेगा कि आप हमारी वेबसाइट पे ये निकालो नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, या फिर प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट भेजो। ठीक है, इसीलिए वेल डिफाइंड एपीआई हर कोई वेबसाइट ओनर प्रोवाइड करता है वेबसाइट या सर्वर को कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो ये इलीगल है और आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। बट मैंने जो वेबसाइट्स ट्राई की, टैक्स ऑफ इंडिया, मैंने यहाँ पे टैक्स ऑफ इंडिया ट्राई किया, ये वाली जो वेबसाइट थी ऑनली जाओ टेक ट्राई किया मैंने, इसमें से जो मैंने वेबसाइट ट्राई मैंने किया है वो सारी वेबसाइट्स मेरी खुद की वेबसाइट हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट पे वेब स्क्रैपिंग कर सकता हूँ, चीज़ों को सीख सकता हूँ, बट लीगली ये अलाउड नहीं है। जो वेबसाइट ओनर है उसे अलाउड नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कि आप जिस वेबसाइट से स्क्रैपिंग कर रहे हैं यू हैव अ लीगल परमिशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, और फिर उसके बाद आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना सकते हो, ये एक आइडिया भी है। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम लोग लाते हैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।